लोग ऐसे शहरों में रहते हैं जो समुद्र के किनारे बसे हैं। वो अक्सर टहलने के लिए समुद्र के पास की किसी खूबसूरत जगह को चुनते हैं। समुद्र के खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए सैर करना बेहद खास अनुभव दिखता है, लेकिन आप एक बार सोच कर देखिए, आप समुद्र के किनारे टहल रहे हों और अचानक समुद्र से भूत निकल आए तो आप क्या करेंगे? बेशक डर से कांपेंगे। ये कहानी, ये किस्सा जो आपको महज एक कल्पना लग रहा है, ये हकीकत बनकर कुछ लोगों की आंखों के सामने आया। ये पूरा वाक्या वेल्स का है, जहां लोगों ने समुद्री भूत को देखा। वेल्स के होलीहेड में न्यूअरी बीच पर एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला जिसे देखते ही हर कोई दंग रह गया। यहां लोगों को 3 समुद्री भूत दिखाई दिए। चौंकाने वाली बात यह है कि ये लोग वहां हमेशा रहते हैं और बहुत से लोगों को अब इन भूतों को देखने की आदत पड़ चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भूत देखना लोगों के लिए इतना नॉर्मल भला कैसे हो सकता है, तो आपको बता दे, तस्वीर में समुद्र से निकले भूत जैसे आकार में कोई शख्स या जीव नहीं, वो पुराने लाइफ बोट रैंप के लकड़ी के टुकड़े हैं जो काफी वक्त से मौजूद हैं। धीरे धीरे उन पर घास और गंदगी जम चुकी है, जिन्हें देखकर लोगों को लगता है कि ये समुद्री भूत हैं। साल 2028 से हॉलीहेड में लाइफ बोट क्रू सक्रिय है, जिसने बहादुरी से कई लोगों की मदद की। ये पुराना लाइफ बोट रैंप हॉलीहेड मरीटाइम म्यूजियम के बगल में बना है। इसको अब लोग उन जाबाज लाइफ बोट क्रू के सदस्यों का प्रतीक मानते हैं, जिन्होंने कई जहाजों में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। सोशल मीडिया पर समुद्र भूतों के नाम से वायरल हो रही ये तस्वीर असल में क्रेग फेयरक्लोग ने खींची। क्रेग अपने कुत्ते को टहलाने के लिए निकले, जब अचानक से उनकी नजर लाइफ बोट रैंप पर पड़ी। एक पल के लिए उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने भोग रिपीट एक पल के लिए उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने भूत देख लिया है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।